बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हमारी अर्जी सुनो। हे बागेश्वर बालाजी, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, परंतु हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो। सब बालाजी को प्रणाम करो, मुट्ठी बांधे रहना, हमारे साथ सब बोलेंगे ओ। बागेश्वराय नमः। ओम बागेश्वराय नमः। ओम बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। बालाजी को प्रणाम करो। पूज्यपाद श्री सन्यासी बाबा और बागेश्वर बालाजी का दिया हुआ यह ऐसा अचूक उपाय है जिनके परचा नहीं बन पाते, जिनका मिलना नहीं हो पाता या जिनकी अर्जी नहीं लग पाती, वो अगर इस सामूहिक अर्जी के उपाय को करता है, लहसुन प्याज मांस मदरा बंद कर देता है, महीने में एक बार भी बागेश्वर धाम की पेशी करना प्रारंभ कर देता है, ऐसे साधक की भक्त की अर्जी बिना परचा बने ही कामना पूर्ण हो जाती है। श्री सन्यासी बाबा का दिया हुआ अचूक उपाय है और लाखों भक्तों ने इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देखा है। तो आप लोग जो भी अर्जी लेकर आए हो, प्रश्न लेकर आए हो, मन ही मन अपनी अर्जी को तीन बार बोलिएगा। ओम 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 कहो। हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हमारी यह अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो, हमारे घर पर, हमारे ऊपर जो भी नकारात्मक बाधा, प्रेत बाधा, रोग, संकट, व्याधि हो उसका शमन करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। अब दाहिने हाथ की मुट्ठी का सीधा उतारा शीर्ष 60 बार करो, भगवान बालाजी की तरफ छोड़ दो। ऐसा करने से शरीर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। अब बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा करो एंटी क्लॉक में शीर्ष 60 बार, और सीताराम कहते हुए इसे भी बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दो।
ऐसा करने से बालाजी की कृपा होती है। दोनों हाथों को मलो, बोलो ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। एक बार आंखों में लगा के शरीर में आपको अगर कहीं पीड़ा है तो वहां स्पर्श कराओ। बड़े भाव से कहो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की।